ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह कार मेरे यार में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे से बार बार पूछा जाता था कहीं लाइव सेशंस में भी, कन्वर्सेशंस में, कमेंट्स में, कि पुरानी गाड़ी लेते समय किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, क्या कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करते हैं। मेरे सहयोगी विपिन लूथरा जी मेरे साथ हैं, जिसके लिए वे मेरी गाड़ी है, इसके ऊपर हम इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, इसको क्लियर करके देखते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्या क्या सावधानियाँ, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप पुरानी गाड़ी ले रहे हों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, ग्लास यानी कि शीशा जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर ये मार्क देख रहे हैं आप, इस मार्क को हम देखें, सबसे नीचे लिखा हुआ है 12 यानी कि ये 2012 मॉडल गाड़ी है, ये हमें क्लियर कर देगी कि क्या मॉडल है। अब आगे चलते हैं, साथ में देखते चलते हैं कौन कौन सा मॉडल सही है कि नहीं, ये हर ग्लास के ऊपर होगा। यहाँ पे भी अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो यहाँ पे भी 2012 का 1 और 2 नज़र आ रहा होगा। थोड़ा जूम करके अगर हम देखेंगे तो क्लियर नज़र आएगा, हर एक गाड़ी की हर एक ग्लास के ऊपर नज़र आएगा, ये यहाँ पे भी है और दूसरे ग्लास पे भी है। अगर आप रियर में चलते हैं तो रियर वाले ग्लास पे भी यहाँ पे हम देखेंगे तो 2012 ये सारा मॉडल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमें ये गाड़ी जेन्युइन है, कोई ग्लास टूटा हुआ या रिप्लेस किया हुआ ग्लास नहीं है। थ्रू आउट द कार आपको ये चीज़ सबसे पहले देखनी है, जो ये क्वार्टर ग्लास है इसके ऊपर भी हर जगह पे ये होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इन चीज़ों को देख के दोस्तों हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ये गाड़ी एटलीस्ट ग्लास सबसे पहले टूटता है जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, तो ये चीज़ का ध्यान हम पहले रखेंगे। गाड़ी जब भी हम देखें तो ये मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा होता है, अगर गाड़ी का शीशा रिप्लेस हुआ होगा, ग्लास रिप्लेस हुआ होगा, तो ये मॉडल नंबर 12 जैसे 12 नज़र आ रहा है तो इस पर कहीं नहीं होगा। जो मेजर एक्सीडेंट के कारण होते हैं उसमें आपका ग्लास रिप्लेस होता है, लेकिन माइनर हो जैसे इसमें आपको क्रैक नज़र आ रहा होगा, ये मॉइस्चर करके या नमी करके, कुछ पत्थर करके, किसी करके भी हो सकता है, ये ग्लास आपको क्रैक नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्लास के ऊपर क्रैक चल रहा है, तो ये कोई मेजर नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम मॉडल नंबर देख रहे हैं 2012 है, तो ये गाड़ी जेन्युइन है, एक ग्लास के कारण इस गाड़ी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। नंबर टू दोस्तों, फिर आते हैं हम नंबर दो दोस्तों, पहला ग्लास एरिया हो गया, दूसरा ये हमारा बोनट, ये खोल के हमने चेक करना है। वो खोल के कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमारी निगाह जाती है यहाँ पे, ये सीलिंग देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी और दूसरी तरफ से ये वाला पॉइंट जो है सीलिंग देखिए आप अच्छे तरीके से, लोकल लैंग्वेज बोलोगे तो गाड़ी के गोड्डे बोलते हैं इसको, तो ये सीलिंग है जो इसके ऊपर हुई होगी, अगर ग्लास का है तो ग्लास में भी जो ये जो सीलिंग आपको नज़र आ रही है ये ध्यान से देखनी है हमने। अगर ग्लास भी टूटा हुआ है और सीलिंग भी गई हुई है, इसका प्रॉब्लम यही होगी कि आगे से गाड़ी का बहुत इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ से हो सकता है या उधर से हो सकता है, दोनों साइड से कहीं से भी इसको इम्पैक्ट हुआ है और गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट है, तो वो गाड़ी दोस्तों हमने बचना है, उस गाड़ी से वो गाड़ी हमने नहीं खरीदनी। और अगली बात आती है दोस्तों, ये जो एरिया है इस एरिया को देखना है हमने, हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये थ्रू आउट द बॉर्डर ये आपको सारी सीलिंग नज़र आएगी, ये सीलिंग अगर हमने कहीं से भी गाड़ी दूसरी जगह से परचेज़ की है या कहीं से जाके रिपेयर करवाई है, ये बोनट मैंने बोनट का कवर जो है मैंने दोबारा रिपेयर कहीं से भी करवाया है, तो ये वाली सीलिंग दोबारा नहीं हो पाएगी क्योंकि इसको लेज़र वेल्डिंग बोलते हैं, ये लेज़र वेल्डिंग बाहर से कहीं से नहीं हो पाएगी, कोई पीस भी लगा होगा तो वो आप समझ जाओगे कि वो गाड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आप वहीं से समझ जाओगे, किसी टेक्निकल बंदे को लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे अगर हम देखें तो इस साइड भी यहाँ पे भी ये सीलिंग इसकी नज़र आएगी, उस साइड भी है, इस साइड भी है, हो सकता है कि फ्रंट से गाड़ी का ना इम्पैक्ट आया हो, इस साइड से लग सकती है गाड़ी या दूसरी साइड से लग सकती है, तो ये मेजर चीज़ें हैं देखने वाली, ध्यान रखने वाली। इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हम खुद ही थोड़ा सा एनालाइज़ कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी चली है, कितनी नहीं चली और क्या इस पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता, हो चुका है कि नहीं हो चुका। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक अगर देखें तो इसको गाड़ी का पिलर बोलते हैं, इस पिलर को अगर हम देखेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी, कहीं पे भी अगर आप हाथ घुमा के देखो तो कहीं पे भी आपको अनफॉर्म नहीं नज़र आएगी। अगर इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो समझिए कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं हो रखा है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो रखा है, उस गाड़ी से भी बची है, क्योंकि ये जो जगह है ये पिलर इसीलिए बोलते हैं कि स्तंभ है गाड़ी का, अगर यहाँ से इम्पैक्ट, यहाँ से उठ के यहाँ तक आया इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ चुका है, गाड़ी का प्लेटफॉर्म तक हिल चुका है,
तो उस गाड़ी से भी हमने बचना है, उस गाड़ी का खास ध्यान रखना है। आइए दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो भी सीलिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको मेजर कोई एक्सीडेंट या किसी इम्पैक्ट से बचाने के लिए या बताने के लिए गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है। ये देखिए ये रबड़ होती है, यहाँ पे हर गाड़ी में होती है क्योंकि सीलिंग वैक्यूम करने के लिए। तो अगर हम इसको हटा के देखें, यहाँ से थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये हट जाएगी, बस इतनी सी लगर हम हटा के देखें तब भी अपना काम चल जाएगा। ये जगह जगह पे पॉइंट्स टिंच के हुए आपको नज़र आएंगे, ये वेल्डिंग स्पॉट्स हैं, लेज़र वेल्डिंग स्पॉट्स हैं, जो कि आम यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, लोकल मार्केट में कोई भी नहीं कर पाएगा। ये कंपनी के वेल्डिंग लेज़र वेल्डिंग होती है जो दोबारा नहीं हो पाती। अगर यहाँ पे कोई इम्पैक्ट हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि लोकल वेल्डिंग है तो ये सही नहीं है। आपको एक एग्जांपल उसका वो भी दिखा देंगे। इसको दोबारा हम लगा देते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके अंदर भी चेक कर लेना है। ये सारा पैनल आप चेक कर रहे हो, ये ध्यान से देखिए इसको। ये गाड़ी अगर यहाँ पे आपको सीलिंग सारी नज़र आ रही है, समझो ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है। तो ऐसे ही दोस्तों सारी हमने गाड़ी चेक कर लेनी है। पीछे भी दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हमने आगे चेक किया, जैसे हमने बोनट चेक किया, वैसे ही हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको भी ऐसे रबड़ को हटा के देख सकते हैं। ये रबड़ हटती जाएगी और डॉट आपको नज़र आते जाएंगे, 1, 2, 3 ऐसे कई सारे डॉट्स आपको नज़र आएंगे। ये स्पॉट्स जो आप ध्यान से देखिए, बारीक बारीक से स्पॉट्स हैं, ये वेल्ड करके टिंच किया हुआ है इसको, जिससे कि गाड़ी का पता लग जाता है गाड़ी जेन्युइन है। वही चीज़ पिछले डोर पर भी आपको नज़र आएगी, टोटली सीलिंग है। दोस्तों इसी का हमने खास ध्यान रखा है, कहीं पर अगर हमें स्क्रैचेज नज़र आ रहे हैं या कोई थोड़ी बहुत अगर कहीं पर डेंट भी हमें नज़र आ रहे हैं तो उसको हमें इग्नोर करना है, मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाड़ी अगर शोरूम से भी बाहर निकलती है तब भी एक्सीडेंट का खतरा तो हर जगह ही है, बट मेजर ना हो। अब अगर हम चाहें बूट की तरफ, अब दोस्तों आते हैं हम उस एरिया के ऊपर जिस एरिया पे किसी का ध्यान नहीं जाता। लोग फ्रंट देखते हैं, साफ सुंदर सुथरी सी गाड़ी देखते हैं, 500-600 लगा गाड़ी चमका दी जाती है, लेकिन धोखा होता है वो, आँखों का धोखा। तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ये हमने कवर उठाया, सबसे पहली निगाह कहाँ जाएगी हमारी, हम यहाँ यहीं देखते हैं, हम ऊपर नहीं देखते। सबसे पहले हमने देखना ऊपर। ये देखिए वही बात यहाँ पे भी लागू होती है, ये सारी सीलिंग आप देखिए, कहीं पे भी कोई ऐसा स्पॉट आपको नज़र आए, यहाँ यहाँ पे कोई डेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, तो इतना पीस कट के लगाएगा तो दोबारा वो चीज़ नहीं बन पाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा है तो ये मेजर एक्सीडेंट का कारण नहीं है, ये थोड़ी बहुत वैसे कहीं लगी होगी। मैं आपको नीचे भी उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। वही बात दोस्तों हमने नीचे देखनी है, ये ध्यान से ये चीज़ें सारी सीलिंग देखनी है। सीलिंग है तो गाड़ी जेन्युइन है। यहाँ पे भी देखिए सारी गाड़ी ऐसी होगी, और यही बात बिल्कुल आते आते नीचे यहाँ पे भी देखिए, ये भी स्तंभ होते हैं, ये सारा ये सीलिंग है तो गाड़ी ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है गाड़ी ये। अब इसका मैं जो आपको कह रहा था कि मेजर एक्सीडेंट नहीं है, उसका मैं उदाहरण आपको दिखाता हूँ। हमने उस साइड पर देखा इसकी सीलिंग है, इस साइड पर देखो ध्यान से, गाड़ी देखने बहुत साफ़ सुथरी लग रही है यहाँ से, लेकिन इस गाड़ी का थोड़ा सा यहाँ पर काम हो रखा है, ये पीस ये दोबारा बनाया गया है। अब इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि इस गाड़ी के में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हल्की सी गाड़ी लगी थी और ये गाड़ी रिपेयर करवा दी गई, बट इसकी आपको मैं पहचान बता रहा हूँ कि अगर ये प्लेन है यहाँ से तो समझिए कि गाड़ी रीपेंट है और दोबारा गाड़ी का काम किया गया है। ये देखिए ये ओरिजिनल है, ये सील्ड है गाड़ी। तो चलिए दोस्तों अब इंटीरियर में देखें, इंटीरियर में हमने क्या क्या ध्यान रखना है। गाड़ी के दोस्तों बाहर से एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी रह गई, वो ये है कि पेंट ओरिजिनल है कि नहीं गाड़ी का, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़्यादा कोई बहुत बड़ी महारत की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा काम है। यहाँ से हाथ रखिए और गाड़ी के ऊपर पूरे हाथ घुमाइए, या यहाँ से दूर से देखिए, यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है पूरे कार के अंदर। ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, पूरी कार में आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही होगी। कोई भी कार उठा के देख लीजिए किसी पे भी, वो आपको ये चार पोर्शन है अलग अलग, ये चार पोर्शन में यूनिफॉर्मिटी नज़र आनी चाहिए, एक जैसा ही कलर होना चाहिए। या कहीं पे आपको खुरदरा पर नज़र आ रहा है, कहीं पे चमक नज़र आ रही है, या कहीं पे आपको उभरा है या पीछे नज़र आ रहा है, तो समझिए कि वहाँ जगह पर उस स्पॉट के ऊपर काम हो रखा है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ इस जगह पे अगर हम देखें, यहाँ और यहाँ, ये यहाँ पे सफाई नहीं, ध्यान से देखिए यहाँ पे सफाई नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर काम हो रखा है, लेकिन ये मेजर नहीं है। अगर मेजर होता तो पूरे पैनल के ऊपर काम हुआ था। तो इसी का हमने ध्यान रखना है। ओरिजिनल पेंट की एक और निशानी है, ये देखिए ध्यान से, बार बार लग के ये निकल गया है। अगर रीपेंट होता तो यहाँ पे चमक होती ज़्यादा और पीछे कम होती। तो इसी का हमने सारा ध्यान रखना है, तभी हमने गाड़ी डिसाइड करनी है। तो चलिए दोस्तों अब इंटीरियर में चलते हैं। अब
अब दोस्तों इंटीरियर में आते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है, मैं बार बार ध्यान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हम पॉइंट फोकस करते ही नहीं हैं उन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। पहली बात आती है दोस्तों, ये नीचे के तीन पैडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर देखिए जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये और ये अगर ज़्यादा घिसे हुए हैं तो इसका मतलब गाड़ी बहुत चली हुई है, तो उस गाड़ी से भी परहेज कीजिए। अगर उन्होंने उतार के इसको नए पैडल्स के कवर्स लगा दिए हैं तो वो भी हमें समझ आ जाएगी कि गाड़ी के कवर इतने ज़्यादा घिस गए थे कि उसको बदलने की नौबत आ गई। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमने, उसको देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को कि कहाँ हम गलती कर। अब आते हैं दोस्तों इंटीरियर की बात, इंटीरियर के अंदर हमने क्या देखना है, एक तो हमने गाड़ी की सीट्स देख ली तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कवर डलवाने भी पड़ गए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले चाबी लेंगे, हम चाबी को लगाएंगे की होल के अंदर, सिर्फ इतनी इतनी चाबी ऑन करनी है हमने, उससे किसी भी गाड़ी के किलोमीटर हमें पता लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑन करते ही इल्यूमिनेट हो गया 134,037 किलोमीटर, ये चीज़ हमने चेक कर लेनी है ताकि हमें ये पता लग सके कि कितनी गाड़ी चली हुई है, कुछ आगे पीछे किसी ने हो सकता है किया हो लेकिन यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। वो बाकी पॉइंट्स मैंने जो आपको बताया कि पैडल्स से पता लग जाएगा, पीछे से पता लग जाएगा, आगे से पता लग जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने वो भी चेक करनी है। अब इसको थोड़ा सा, सारी लाइट्स जलती हों गाड़ी की, इलेक्ट्रिकल सब चलता हो तो हमें पता लग जाएगा कि सारे पुर्जे उसके सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ, पहले टाइम पर इल्यूमिनेट हो गई किलोमीटर्स, ये सारे पॉइंट्स इसके जितने भी हैं वो सारे ऑन होने चाहिए, एक बार में ऑन होने चाहिए ताकि हमें पता लगे। अब ये तीन चीज़ें दिखा रहा है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें सारी हट जानी चाहिए, ये पहचान होती है कि इंजन के अंदर कोई भी या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई भी फॉल्ट एटलीस्ट ECU पैनल आपको नहीं दिखा रहा। अब दोस्तों आ जाते हैं टायर्स के ऊपर, टायर्स के ऊपर ही गाड़ी चलनी है तो वो भी हमें बहुत कुछ बताता है कि मेरी गाड़ी का क्या हाल चाल है। इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पे ये गाड़ी, ये टायर की पोजीशन नज़र आ रही है हमें अंदाजन, एक गाड़ी के अंदर जो टायर होते हैं, जैसे इस गाड़ी ये फिगो है, इस गाड़ी का जो वेट है उस हिसाब से इस गाड़ी का जो टायर प्रोफाइल है, मैंने टायर प्रोफाइल के लिए कैसे प्रोफाइल चेक करनी है उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आई बटन पर क्लिक कीजिए आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो कार टायर आपने पसंद कर लिया, चेक कर लिया, इस गाड़ी का फिगो है तो 40,000 से 50,000 किलोमीटर तक गाड़ी के टायर आराम से चल जाते हैं, जैसे कि आपकी ड्राइविंग पोजीशंस होती हैं। अब ये दोस्तों टायर्स की बात चली ही है तो मैंने आपको बता दिया 130,000 के करीब ये गाड़ी चल चुकी, तो डिवाइड करके देख लीजिए कि कितने टायर्स इसमें बदले और अब क्या पोजीशन हो सकती थी टायर्स की, वो देख लिया हमने। उसके बाद पांच टायर हैं, पांचों को पांच टायर हमने ध्यान से चेक करने हैं कि उस सेम पोजीशन सेम कंपनी के टायर्स हों, जो डिग्गी में पड़ा ना टायर उसकी भी जरूरत है देखने की, लोग देखते नहीं हैं हम भी देखते नहीं हैं, तो इसी का बहुत अच्छे तरीके से हमने ध्यान रखना है। हाँ एक बात और, ये जब हम डोर खोलते हैं यहाँ पे ये टायर्स के अंदर कितना PSI, कितना प्रेशर फ्रंट बैक रियर में कितना टायर के अंदर प्रेशर रखना है वो यहाँ पे दिया होता है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप नई कार या पुरानी कार कोई भी खरीदें तो ये चलेगा ही चलेगा, इसके अंदर ये सारा दे रखा है, ये 30 PS है, यहाँ पे 36 PS है, 30 PS है, 36 PS है, ये सारा ड्यूरेबिलिटी टायर की उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर टायर प्रेशर सही नहीं है तो आपका टायर भी अच्छा नहीं चलेगा और माइलेज भी गाड़ी कम देगी। दोस्तों एक मेन पॉइंट इंजन के लिए हमने बात नहीं की, इंजन के लिए आपको बताता हूँ, कई बार गाड़ी का जो किलोमीटर्स हैं वो आगे पीछे किए हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, शायद किए हो सकते हैं, उसकी जेन्युइनिटी कैसे चेक हो, तो जेन्युइनिटी चेक करने के लिए आप, जैसे फोर्ड की गाड़ी है तो फोर्ड के सर्विस सेंटर में आप इसको जाके इंजन नंबर दीजिए, चेसी नंबर दीजिए, वो चेक भी कीजिए, वो देंगे तो आपको किलोमीटर का पता लग जाए कितने किलोमीटर गाड़ी चल रखी है, अगर आगे पीछे किया होगा तो आपको वहाँ से भी पता लग पाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंजन नंबर, चेसी नंबर, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी पूरी चेक कर लीजिए, ध्यान से चेक कीजिए, और कोई पिछला रिकॉर्ड ना हो, आजकल बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि आपको सब कुछ बता देंगे, तो वो डिटेल से डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे को उम्मीद है कि जो बहुत कमेंट्स आते थे मेरे को, भाई मैंने पुरानी गाड़ी लेनी है वो क्या करूँ, किसको दिखाऊँ, कैसी रहेगी, देखो जो प्राइस है इसका वो नेगोशिएबल होते हैं, उसका कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन गाड़ी चेक कैसे करनी है वो आपको बता दिया, किसी बहुत बड़ी महारत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए जिनका सहयोग रहा उनको मैं नहीं भूलना चाहता, वो मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, मेरे साथ विपिन लूथरा जी जो कि कैमरा पकड़ के खड़े हैं, और ये मेरा भाई, अपना इंट्रोडक्शन दो। विशाल, हाँ ये विशाल भाई हैं अपने,
विशाल भाई का एक स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो है इनका, जो कि चलाते हैं, मनीमायरा के अंदर रन करते हैं ये, और भाई विपिन लोथरा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने बड़े भाई विपिन लोथरा जी का, जरा इनके साथ भी थोड़ी सी रूबरू हो जाए, बात की जाए इनके साथ भी। इनके बगैर ये वाला वीडियो बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जो आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी, तो इन्होंने डिमांड वो पूरी की है। तो इनसे बात करते हैं, जरा बताइए भाई अपने बारे में। ये तो बड़प्पन है मेरे भाई साहब, इनका शुरू से एक शौक रहा है गाड़ियों के प्रति, अच्छी काफ़ी नॉलेज रही है, तो आज मुझे भी इनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा खुश हूँ इनके साथ आज काम करने के लिए, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बलविंदर जी का, जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।